हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन कांग्रेस क्यों हारी? इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ समझौता ना होना कितना बड़ा कारण है और क्या क्या कोशिश हुई थी, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता राघव चड्ढा हैं। राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो किस तरह से देख रहे हैं इस जीत को? सब ये मान के चल रहे थे आप लोग, विपक्षी पार्टी, कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन 2014 से भी बड़ी जीत मिली है। देखिए, अगर इसको परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हरियाणा चुनाव के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी जीत कम और कांग्रेस पार्टी की हार ज़्यादा है। और हरियाणा की जनता बदलाव चाहती थी। अगर आप वोटों की गिनती देखें तो अधिकतर जनता ने बदलाव को वोट दिया, विधायक बदलने के लिए वोट दिया, एक नए प्रशासन को वोट दिया। लेकिन ज़रूर कुछ कारण रहे जिसके चलते फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में या गणित के मामले में, सीटों के मामले में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस हरियाणा के चुनाव से। पहली चीज़ सीखने को ये मिलती है कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, किसी भी राजनीतिक दल के लिए घातक है। किसी भी राजनीतिक दल को ओवर कॉन्फिडेंस के भुलेखे में नहीं जीना चाहिए। दूसरा, जिन जिन राज्यों में एक रीजनल मजबूत पार्टी नहीं है जो भाजपा को अकेले अपने दम पे टक्कर दे सकती है, उन राज्यों में अगर साथ आकर चुनाव लड़ा जाए तो अच्छे बेहतर नतीजे आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पहले रिएक्शन के तौर पे आपका कल एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया था, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और उसका मजमून भी बता दीजिएगा आप। हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। तो ये साथ चलने की शर्त क्या थी जो मानी नहीं गई? देखिए, जब मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने और मेरी पार्टी ने मुझे हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को पिरोने की, साथ आने की जिम्मेदारी दी और आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस से संवाद करने की एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली, तो मैं लगातार आपसे भी संवाद में ये बात कहता था कि गठबंधन की आरजू भी है, हसरत भी है और उम्मीद भी है। और कहीं ना कहीं वो हसरत और वो उम्मीद और वो आरजू पूरी नहीं हुई, जो भी कारण रहे, उस लोकल लीडरशिप का कारण रहा, सीटों का कारण रहा, जो भी बात रही। लेकिन उन सारी चीज़ों के चलते अगर आज हम देखें तो अगर गठबंधन के तौर पे लड़ते, और आंकड़े और गणित भी वही बता रहा है, तो नतीजा कुछ और होता, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता। आज जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, वहां पर नतीजे अच्छे आए, इंडिया गठबंधन जीता, भारतीय जनता पार्टी हारी। हरियाणा में बहुत प्रयास किए गए गठबंधन करने के लिए, लोकसभा में भी एक सीट हमें मिली थी, लेकिन न जाने क्यों वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। हमने अपनी तरफ से पूरी पेशकश करी थी, इसीलिए मैंने ये कहा कि आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। कहाँ पेच फंस गया था? क्या सीट बंटवारे को लेके या आप लोगों की डिमांड ज़्यादा थी? ये कहा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा कि हम सिंगल डिजिट में सीट देंगे, आप लोगों की क्या उम्मीद थी? अब तो खत्म हो गया ना, चुनाव बोल सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वाई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब जब दूध ग्लास से गिरी गया फर्श पे तो अब उस पर क्या पछताना, फर्श साफ करो और जिंदगी आगे जियो। लेकिन हाँ, सीख जरूर लेनी चाहिए, पछताने से कोई फायदा नहीं है, सीख लेनी चाहिए। सीख ये है कि साथ साथ आकर एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो सकता, और वो गणित, वो आंकड़े हरियाणा का चुनाव में दिखाते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर आप जोड़ दीजिए, सपा भी चाहती थी कांग्रेस के साथ हरियाणा में गठबंधन करना, अगर उनका भी वोट शेयर जोड़ दीजिए तो हम लोग एक फॉर्मिडेबल फोर्स हैं जिसका वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा है, और नंबर ऑफ सीट्स में भी हम कहीं ज्यादा अपना नतीजा दे पाते और पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाते। लेकिन खैर, कोई बात नहीं, इससे सीख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इसके इसमें केवल कांग्रेस के लिए ही सीख नहीं है, हम लोगों के लिए भी सीख है, हर राजनीतिक दल के लिए सीख है कि अति आत्मविश्वास में चुनाव नहीं लड़ना। ये नहीं कि बस जीत गए हो गया जी, चुनाव खत्म हो गया जी, अब तो जीत ही गए जी, डब्बे खाली हो गए जी, अब तो बस तैयारी है शपथ ग्रहण समारोह की, वो सब
इस प्रकार से हवा में नहीं रहना चाहिए, जमीन पर जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं लड़ना चाहिए, और दुश्मन को कभी भी राजनीतिक दुश्मन, वैसे दुश्मन नहीं, पॉलिटिकल एडवर्सरी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अरविंद जी जेल में थे, गठबंधन के लिए आप कोशिश कर रहे थे, दीपक बावरिया साहब की मीटिंग हो रही थी, हम लोगों को तो ये तक जानकारी मिली थी आप लोगों का फोन नहीं उठाया जा रहा, क्या ऐसी स्थिति थी क्या? और इसके साथ साथ अगर राहुल गांधी ये चाह रहे थे कि गठबंधन हो, उसके बाद गठबंधन नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कोई रणनीति आप लोगों को नजर आई कि लास्ट तक लटका के लिए चलो नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा? देखिए मेरा जो मानना है वो ये है कि कांग्रेस हाईकमांड, जिसमें उनके शीर्ष नेता, लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी भी हैं आते हैं, उनकी इच्छा थी कि अलायंस हो, उनकी इच्छा थी गठबंधन, इसमें कोई दो विचार किसी व्यक्ति के मन में नहीं होने चाहिए, वो गठबंधन के हक में थे, कांग्रेस पार्टी भी एक प्रकार से गठबंधन के हक में थी, लेकिन न जाने लोकल लीडरशिप के कुछ कारण रहे होंगे जिसके चलते गठबंधन नहीं हो पाया। बाबरिया साहब और ये कांग्रेस पार्टी की हरियाणा यूनिट आपको बेहतर बता सकती है, मुझे नहीं लगता कि कमरे के भीतर गठबंधन पे क्या चर्चा हुई उसे सार्वजनिक करना चाहिए या उस बात को जनता के सामने रखना चाहिए, वो एक कमरे के भीतर एक अच्छे वातावरण में हरियाणा की जनता की मांग के अनुसार एक जो चर्चा होती है उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। अंततः मायने जो रखता है वो नतीजा रखता है, नतीजा बहुत कुछ सिखाता है, मुझे लगता है अगर इससे हम सीख लेकर भी आगे बढ़ें तो आगे जो रहा है वो बहुत अच्छी होगी, सुनहरी होगी। ठीक है आप और इसमें इस हरियाणा के नतीजे में केवल आप कांग्रेस का नुकसान, आम आदमी पार्टी का नुकसान, सपा का नुकसान, CPM का नुकसान मत देखिए, जनता का नुकसान भी। अधिकांश लोगों ने जो वोट डाले वो बदलाव के लिए डाले, BJP का वोट शेयर तो 39% के आसपास है, लगभग आप माने कि 61% वोट BJP के खिलाफ पड़ा है एक मायने से देखा जाए तो जो वोट BJP के खिलाफ पड़ा वो बदलाव का वोट था, अगर उस वोट को कंसोलिडेट किया जाए, उसे एक छतरी के नीचे लाया जाए तो नतीजे भिन्न हो सकते थे। ये तो हर चुनाव में होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा तो होता नहीं है देश में कि 90% वोट मिल जाए और उनकी सरकार बनती है। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इसका नुकसान आप लोगों को कितना हुआ, गठबंधन की कोशिश आप लोग कर रहे थे, 90 सीट पे आप लोग चुनाव लड़े और एक तरफ नॉमिनेशन के आखिरी वक्त तक आप लोग कोशिश कर रहे थे कि उम्मीदवार आ जाएं आपके साथ, दूसरे पार्टी से नेता जुड़ने वाले थे, वो सब कांग्रेस की स्ट्रेटजी की वजह से नहीं आ पाए, ये नुकसान तो आम आदमी पार्टी हुआ है ना कांग्रेस की वजह से? देखिए दो चीज़ें, पहले तो मैं पहले वाले सवाल के आपके जवाब को बस समाप्त कर दूं, ये नहीं होता कि किसी पार्टी को 90% वोट मिल जाए, बहुत ही कम होता होगा, लेकिन 50% से अधिक वोट किसी एक पार्टी को मिला ये हमने होते देखा है। दिल्ली में लोक विधानसभा का जब चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव, तो 2015 का चुनाव हो या 2020 का विधानसभा चुनाव हो, दोनों चुनावों में 50% से अधिक वोट आम आदमी पार्टी को मिले, यानी कि वोट केजरीवाल के हक का वोट था। इसीलिए मैं कहता हूं जब ओवरवेलमिंगली अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में आधे से ज्यादा वोट पड़े तो मतलब उस पार्टी के पक्ष में वोट है, अगर उसके खिलाफ पड़े तो उसको हटाने का वोट है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं हरियाणा में बदलाव का वोट। देखिए जहां तक अंत तक आते आते नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक गठबंधन की बातचीत चलती रही या फाइनलाइज नहीं हो पाया, जाहिर तौर पे उसका नुकसान हुआ, हर पार्टी को होगा, कार्यकर्ता के मन में भी होता है गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रत्याशी के मन में भी होता है कि तैयारी करें ना करें, अब आज कोई प्रत्याशी पैसा खर्च करके रैली करता है, रोड शो निकालता है, वो सोचता है अगर मेरी सीटें गठबंधन में चली जाएगी तो क्या होगा, तो वो अपनी तैयारी भी थोड़ी कम करता है। तो एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये सब, ग्राउंड पे हम लोग उसका नुकसान या खामियाजा देखते आए हैं और वो हर राजनीतिक दल के गठबंधन में, हर राज्य में, हर चुनाव में देखा जाता है, कोई हरियाणा उसमें अलग नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सीख लेने की ज़रूरत है, मन छोटा करने की, दिल छोटा करने की बात नहीं है, सीख लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। जम्मू कश्मीर में गठबंधन हुआ, नतीजा अच्छा आया, हरियाणा में नहीं हुआ गठबंधन, नतीजा खराब आया। राघव जी क्या सीख मिली है इससे, क्या दिल्ली में गठबंधन करेंगे आप लोग कांग्रेस के साथ, या कि सीख मिल गई आपको गठबंधन कांग्रेस के साथ? देखिए हरियाणा और दिल्ली कंपेरेबल स्टेट्स नहीं है, दो प्रकार के चुनाव अगर मैं कहूँ इस देश में मोटे मोटे तौर पर हैं, एक वो चुनाव जहां पर एक रीजनल फ्लेवर की पार्टी है जो उस राज्य में बेहद मजबूत है, उस राज्य की पार्टी है, और वो भारतीय जनता पार्टी को अपने दमखम से हराती आई है और हराने का मादा रखती है,
जैसे कि डीएमके तमिलनाडु में, या तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, या आम आदमी पार्टी दिल्ली में। इन राज्यों को आप कांग्रेस और बीजेपी के जो डायरेक्ट फाइट वाले राज्य हैं उनसे तुलना ना करें। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मुझे लगता है आज भी इंडिया गठबंधन मिलकर भाजपा को हरा सकता है, शायद कांग्रेस अपने दम पे ना हरा पाए। जैसे कि हमने देखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीन बड़े राज्य हैं जिनमें चुनाव हुए, वहां कांग्रेस अपने बलबूते लड़ी, यहाँ तक कि सपा को भी मध्य प्रदेश में सीटें नहीं दी, बल्कि सपा के अपने वहाँ स्टैंडिंग सिटिंग एमएलएज थे, और वहाँ का जो नतीजा आया वो कांग्रेस के हक में नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमें देश के चुनावों को दो भागों में बांट के देखना पड़ेगा। एक वो जहाँ कांग्रेस को कुछ साथी दलों की, इंडिया गठबंधन के लोगों की आवश्यकता पड़ती है बीजेपी को हराने के लिए, और दूसरे वो राज्य जहाँ पर राजनीतिक दल, जो स्थानीय राजनीतिक दल है, रीजनल फ्लेवर की पार्टियां, वो अपने दम पे बीजेपी को हराती। दिल्ली दूसरी कैटेगरी में आता है। यहाँ पे हम तीन बार लगातार भाजपा को हराते आए हैं, आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार चलाते आए। कांग्रेस भी तो यही कहेगी ना कि इसी दिल्ली में लगातार तीन बार शीला दीक्षित उनके मुख्यमंत्री थे, उनका भी जनाधार था यहाँ पे। और अगर इसी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में तो आपने समझौता किया था आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ। देखिए, शीला दीक्षित जी बिल्कुल तीन बार रही मुख्यमंत्री, उनका दौर अलग था, उनके दौर की समाप्ति से ही तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी के आने के बाद जो दिल्ली का सियासी माहौल और सियासी जमीन बदली है, उसे शीला दीक्षित जी के समय से कंपेयर कर देखना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, बेमानी होगा। जहां तक दिल्ली का विषय, मैंने आपको कहा आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और हम सक्षम कैसे हैं, उसके कुछ आधार हैं। तीन बार लगातार जीतते आए, आजाद भारत के इतिहास की सबसे प्रचंड बहुमत की सरकार 2015 में अरविंद केजरीवाल ने बनाई, जब 70 में से 67 विधायक मिले, 2020 में बनाई जब 70 में से 62 विधायक मिले, नंबर एक। नंबर दो, दिल्ली में केजरीवाल के नाम पे चुनाव होता है, लोग अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालते हैं, आम आदमी पार्टी के हक में वोट डालते हैं। और आखिरी बिंदु मेरी, हर बार हमें 50% से अधिक वोट परसेंटेज मिला है, यानी कि अगर 100 लोग वोट डालने जाते हैं एक चुनाव में, तो 54-56% वोट आम आदमी पार्टी के हक में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और बाकी जो बैलेंस वोट बढ़ते हैं वो तमाम पार्टियों में, कांग्रेस, भाजपा, सपा, जेडीयू, सीपीएम में बढ़ जाते हैं, आप निर्दलीय में बढ़ जाते हैं। आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपको जरूरत नहीं है दिल्ली में, लेकिन आप समझौता करेंगे या नहीं, कहीं पार्टी इस स्थिति में पहुंची है? मुझे लगता है जब जरूरत ही नहीं है तो फिर ये सवाल ही बेमानी हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, आम आदमी पार्टी अपने बलबूते दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, और ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। अच्छा, एक तरफ हरियाणा में चुनाव परिणाम आ रहा था, उसे एक दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से ये खबर आ गई थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली में यात्रा निकालेंगे, जैसे देश भर में उन्होंने यात्रा निकाली, और एक तरह से ये मैसेज था, हरियाणा में आपके साथ समझौता नहीं हुआ और दिल्ली में भी वो आप लोगों को दिल्ली के संदर्भ में जो मैंने बात रखनी थी मैंने रख दी, इससे ज्यादा मैं दिल्ली के संदर्भ में कुछ नहीं। अच्छा, आखिरी दो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। जिस हिसाब से विपक्षी पार्टी ये कह रही थी लोकसभा चुनाव के बाद कि नरेंद्र मोदी का मैजिक खत्म हो गया और इसका असर दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिखेगा, तो क्या अब आप लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का मैजिक है और हरियाणा चुनाव परिणाम का असर दूसरे राज्यों में भी दिखेगा? मैं तो ये बात स्वीकार ही नहीं कर रहा कि हरियाणा के लोगों ने भाजपा को जिताने के लिए वोट डाला। हरियाणा के लोगों ने तो बदलाव के लिए वोट डाला। जब 61% वोट बदलाव को पड़े तो लोग तो ओवरवेलमिंगली चेंज चाहते हैं, भाजपा की दो बार की सरकार को हटाना चाहते हैं। वो तो आंकड़ों की जादूगरी और गणित कुछ इस प्रकार बैठा है कि सीटें बीजेपी की अपने बलबूते मेजॉरिटी मार्क्स से ऊपर आ गई और कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ गई। अगर यही गठबंधन के तौर पर लड़े होते तो नतीजे बिल्कुल भिन्न होते। तो मैं तो ये मान ही नहीं रहा कि ये एक राजनीतिक दल की जीत है, मैं तो कहूँगा ये कांग्रेस की हार है, एंड कांग्रेस हैज स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। अच्छा, एक आखिरी सवाल, शेर के मुंह से, जीत के मुंह से हार खींच लाना बात है। अच्छा, ये बताएं कि इंडिया गठबंधन में कितनी जरूरत अब रह गई है आपकी? आप लोग अभी भी इंडिया गठबंधन का पार्ट हैं, रहेंगे? हम हैं, थे, रहेंगे। हम एक लॉयल मेंबर हैं इंडिया ब्लॉक के, और ये मेरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा।
ये जाहिर सी बात है कि कुछ चुनावों से हमें सीख लेने की आवश्यकता, सीख हमारे लिए भी है, सीख कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, और सीख लेकर हम सब मजबूत होंगे और बेटर विजडम के साथ राजनीतिक फैसले लेंगे और अच्छे नतीजे आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।